दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिली एप्लीकेशन पर आप अपना अकाउंट किस तरीके से बना सकते हो, उस पर वीडियो किस तरीके से डाल सकते हो। देखो वीडियो डालना आसान होता है लेकिन वो वीडियो डालने के बाद वायरल कैसे होगी ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा और ये तो मैं देखो आपको बता ही चुका हूं कि जिली एप्लीकेशन पर किस तरीके से अभी मैं अपने वीडियो डाल करके किस तरीके से अच्छा खासा वहां पर पैसा कमा रहा हूं। पेमेंट प्रूफ भी आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं, फिर से दिखा देता हूं। और उस वीडियो पर मैंने बोला था कि अगर आप चाहो तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो ला करके दे दूंगा कि जिली पर आप अपने अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसके लिए वीडियो कैसे बना सकते हो, उस पर वीडियो कैसे अपलोड करना है, ठीक है, वीडियो कैसे डालना, शॉर्ट वीडियो डाली जाती है और वो डालने के बाद वायरल कैसे होगी ये चीज भी मैं आपको बता सकता हूं अगर आप लोग कहोगे तो। बहुत सारे लोगों ने उस पर कॉमेंट करा तो आज फाइनली मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, अकाउंट कैसे बनाना है, वीडियो कैसे डालना है, डालने के बाद वो वायरल कैसे होगी, आखिर कौन सा आपको काम करना पड़ेगा, ए टू जेड फुल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। सबसे पहले आप यहां पर देखोगे, जैसे आप प्ले स्टोर पर आके देखोगे जिली यहां पर सर्च करोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाता है जिली शॉर्ट्स वीडियो ऐप करके, ठीक है। तो यहां पर सिंपल से ये आपका 36 MB का एप्लीकेशन है तो जस्ट इसको आपको सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करना है, ठीक है। तो जब भी आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले यहां पर एग्री टू व्यू वीडियोज पर आपको क्लिक कर देना है तो इस पर जो वीडियो होती है वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहां पर आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले यहां पर जो आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखोगे बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बस ध्यान से समझो। यहां पर आप देखो फेसबुक से भी इसमें आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, साइन अप कर सकते हो, या फिर फोन नंबर से कर सकते हो या फिर गूगल से कर सकते हो। तो यहां पर मैं गूगल थोड़ा सा बेस्ट समझता हूं तो यहां पर मैं गूगल पर क्लिक करता हूं, एग्री पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर आपके सामने जो भी आपके फोन पर ईमेल आईडी होंगी वो सारी की सारी ईमेल आईडी आपके सामने आ जाती है तो जिससे भी आपको यहां पर रजिस्टर करना है तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहां पर मैंने क्लिक करा एंड यहां पर देखो बिल्कुल न्यू आईडी बनकर के रेडी हो चुकी है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दो तीन काम करना होता है। यहां पर आप देखोगे एडिट 50% यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आपका प्रोफाइल है ना वो सिर्फ अभी 50% ही एडिट है, बनकर के रेडी हुआ है, 50% काम आपको अभी करना है। तो यहां पर आपको सिंपल सा एडिट 50% में क्लिक कर देना। तो देखो सबसे पहला जो काम होता है कि यहां पर आपका एक प्रोफाइल फोटो लगा सकते हो, यानी कि लोगो लगा सकते हो। तो यहां पर आपका जो ये मेरा वीके लिख करके पूरा लोगो आ रहा है तो बस आपको इस लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आप देखोगे तो कैमरा से कर सकते हो या फिर गैलरी से कर सकते हो, यहां पर मैंने गैलरी पर क्लिक कर दिया एंड यहां से मैं कोई एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं जो मैं यहां पर लगाना चाहता हूं। ये एक फोटो सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए है, बाकी मेरा मेन आईडी है ये ओहे नाम से, तो मैं आपको उसको भी अभी दिखा दूंगा, सारा कुछ प्रूफ वगैरह भी आपको दिखा दूंगा। तो इस पर देखो लोगो हमारा यहां पर लग चुका है। अब करना क्या कि यहां पर देखो एक निक नाम का ऑप्शन आ रहा है, एक आईडी का नाम का ऑप्शन आ रहा है। निक नाम पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक यहां पर कुछ लिख करके आ गया है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये चीज नहीं लिखना, मान लो कि मुझे अपने चैनल का नाम लिखना है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं वीके टेक्निकल और भैया, ठीक है, ये देखो मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो आईडी में आप देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ गिनती से लिखी होती है तो यहाँ पर आईडी भी आपको चेंज कर देना है एंड यहाँ पर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब ये लिखना जरूरी है, ठीक है, क्यों लिखना है मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। ये देखो यहाँ पर मैंने आईडी में ये चीज़ लिख दिया है और ये मैच करेगा कि नहीं करेगा आगे पता चल जाएगा, नहीं करेगा तो थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपका जेंडर आता है तो जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हो तो आप सिलेक्ट कर लेना, मेल यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। बर्थडे यहाँ पर आता है तो बर्थडे में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना, तो यहां पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, ये रहा मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया, सेव पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पर देखोगे इंट्रोडक्शन का एक ऑप्शन आता है तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो अपना एक प्रकार से अबाउट होता है, जो भी चीजें आप बताना चाहते हो। तो यहां पर मैं कुछ नहीं करता हूं, सीधे लिख देता हूं एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट लिख देता हूं क्योंकि मुझे मतलब जो भी आपको डालना हो एंटरटेनमेंट ही इसमें ज्यादातर चलता है तो आप ये चीज लिख देना। बाकी अपना इंट्रोडक्शन यहां पर लिखना होता तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको जो भी अपना नाम देना है, क्या चीज आप बनाने वाले हो, कहां से, आप सारा कुछ डिटेल दे सकते हो इंट्रोडक्शन में। उसके बाद यहां पर ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी आ जाता है अगर आपने गूगल से साइन अप करा हुआ है एंड यहां पर देखो फोन नंबर ऐड करने के लिए आ रहा है तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक चीज यहां पर देखो ऐड अकाउंट करके यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, यूट्यूब भी आप ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो वीडियो बना रहे हो
वो YouTube पर भी डाल रहे हो, Instagram पर भी डाल रहे हो, तो आप यहाँ पर ऐड मत करना, क्योंकि अगर ऐड कर दोगे तो फिर वही वीडियो यहाँ पर डालोगे, वही वीडियो एडिट करके यहाँ पर डालोगे, तो हो सकता है कि ये रियूज समझ जाए, रियूज कंटेंट, ठीक है, ओरिजिनल ना समझे, तो यहाँ पर ऐड ना करना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी इतना सारा कुछ मैंने कर लिया, अब लगभग मेरा ये काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सही वाले टिक पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने टिक करा तो यहाँ पर देख सकते हो आईडी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपने ओए होए वाले में विनोद राजपूत ले रखा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पीछे वन लगा देता हूँ, फिर से टिक पर क्लिक करा, देखो मेरे 70% यहाँ पर एडिट हो चुका है। अब ये आगे आपका धीरे धीरे हो जाएगा, 100% भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको अकाउंट बना लेना है। अब वीडियो कैसे डालना है वो मैं आपको अपने मेन आईडी पर चल के बता देता हूँ, सिंपल तरीका होता है प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके डालना होता है, ठीक है। तो मैं अपने मेन वाले आईडी पर चल करके आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे डालना है एंड कौन सा ट्रिक लगाना है कि वो वायरल हो ही जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक वायरल नहीं होगा उस पर जेड कॉइन नहीं बनेंगे, पिछली वीडियो में बताया था ना, जितना ज़्यादा जेड कॉइन बनता है उतना ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। तो वायरल करके ही आप जेड कॉइन ले सकते हो, और जेड कॉइन से आपका इंडियन करेंसी हो जाता है, उसको आप डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो बैंक वगैरह में, ठीक है। तो चलो चलता हूँ मेन आईडी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अपनी मेन वाली आईडी पर आ चुका हूँ, 4800 फॉलोअर हो गए हैं, लाइक्स आप देखो कितनी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लेबल भी मिल चुका है, एंड सबसे पहले आप अर्निंग देख लो कितना सारा यहाँ पर मुझे अर्निंग भी लगातार हो रहा है, ठीक है। 3 मिलियन से ज़्यादा जेड कॉइन है, यानी कि 1000 से ज़्यादा यहाँ पर मुझे रुपये हो चुके हैं, और मैं यहाँ पर 2-3 मिनट में विड्रॉ भी करते रहता हूँ कुछ ना कुछ, 200, 400, 600 इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर आप व्यूज़ देखो तो देखो सीधे मिलियंस में इसमें व्यूज आते हैं, देखो 1.6 मिलियन, और ये मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ 1.8 मिलियन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इसके लिए आपको वीडियो, जैसे कि मान लो आपने अपने यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो आपने क्रिएट किया, तो उस पर आखिर क्या करना है कि इस पर ओरिजिनल इसमें माने, ठीक है, ये जिली वाले आपका वीडियो ओरिजिनल माने। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि जिससे भी आप अपना वीडियो एडिट करते हो, मैं तो काइनमास्टर से करता हूँ, तो यहाँ पर मैं काइनमास्टर चल करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, एंड जो इसका शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है वो आपको पता है कि 9:16 होता है, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा, क्रिएट पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा करता क्या हूँ कि एक यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर मुझे मीडिया पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर मुझे सिंपल से एक बैकग्राउंड ले लेना है, कोई भी आप कलर ले सकते हो, मान लो कि मुझे ये वाला कलर लेना है, ठीक है, ये कलर का मैंने बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी वीडियो यहाँ पर आप अपलोड करना चाहते हो जिली पर, एडिट करना चाहते हो। ये देखो मैंने इस वीडियो को लेयर में लिया है। अब आपको करना क्या है कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये भी आपका 9:16 में है, तो इसको थोड़ा सा आपको क्रॉप कर लेना है, थोड़ा सा इसको ऊपर से क्रॉप कर लो और हल्का सा आप इसको नीचे से क्रॉप कर लो, और बस इसको आप पूरा इसको आप यहाँ पर इसको पूरी तरीके से इस तरीके से मैनेज कर लो। अब जैसे आप इतना कर लोगे तो ऊपर आप देखोगे एक पट्टी सा आ रहा है, ऊपर आप देखोगे एक पट्टी से आ रहा है, इस पट्टी में आपको थोड़ा सा लिख देना है। तो इस वीडियो का जो आपका जो मेन पॉइंट है, इसमें जो भी चीज़ें हो वो चीज़ आप थोड़ा सा लिख सकते हो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, जैसे वाह मौज कर दी, और इसने तो हद कर दी, या फिर इंड वॉच फॉर इंड, ठीक है, वेट फॉर इंड, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पतली कमरिया हाय हाय वाला, यहाँ पर ये कॉमेडी है, आप देखना इंस्टाग्राम पर, मैं इसको सॉरी जिली पर ही इसको डालूंगा, तो आप देखना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें मैं सिंपल सा टेक्स्ट वाले पर जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ जो भी मुझे लिखना है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने पतली कमरिया हाय हाय लिख लिया है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, तो इसका मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला कलर एकदम ठीक है, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर करना क्या कि जब आप इसको एक्सपोर्ट करो, तो जो आपने पहले इससे पहले जो एक्सपोर्ट करा था तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, अगर 1080 था तो उसको 1440 का लेना, या फिर 720 का लेना, बिटरेट थोड़ा सा अप डाउन इधर उधर कर लेना, मतलब बस आपको थोड़ा सा कर लेना ताकि वो मैच ना हो पाए, और बस यहाँ पर आपको सिंपल से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से आपको अपने जिली वाले एप्लीकेशन पर आ जाना है, एंड यहां पर वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होता है। लेकिन वो आपका वीडियो वायरल कैसे होगा उसके पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि वो वीडियो अपलोड करते समय ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो यहां पर आप देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्कवर का, यहां पर आपको डिस्कवर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिस्कवर कर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा अभी मेरा नेट स्लो है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि यहां पर काफी सारे हैश टैग यहां पर रैंक कर रहे होते हैं, और ये सारा का सारा आपको यहां पर दिख जाता है। और देखो आपको ये चीज पता है कि एक वीडियो को वायरल करने के लिए ट्रेंडिंग हैशटैग लगाना कितना जरूरी होता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे हैशटैग आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले देखो हंसी के फव्वारे, हंसी के फव्वारे मतलब ये सारे के सारे आपके कॉमेडी वाले वीडियो हैं, ठीक है, हंसी के फव्वारे, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखोगे चाय की चुस्की, मतलब अगर आप चाय पीने वाला वीडियो बना रहे हो, कुछ भी शॉर्ट वीडियो, तो चाय का चुस्की, ये हैशटैग आपको
जरूर लगाना। या फिर मान लो कि नीचे भी आप काफ़ी सारे देख सकते हो एटीट्यूड शायरी, अगर आप शायरी दे रहे हो एटीट्यूड वाली शॉर्ट वीडियो पर तो यहाँ पर आप ये वाला हैशटैग जरूर यूज कर सकते हो। वेडिंग लुक, अगर आप शादी की फोटो वोटो डाल रहे हो वीडियो डाल रहे हो तो वेडिंग लुक आप हैशटैग डाल सकते हो। ये हैशटैग है और ये ट्रेंडिंग है। पीछे आप देखो व्यूज देखो 52 मिलियन, 38 मिलियन, 12 मिलियन, इस तरीके से व्यूज इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आते हैं। अगर आप इन ट्रेंडिंग टैग्स पर वीडियो बनाओगे, मतलब ये अपने वीडियो पर डालोगे टैग्स, ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो बना के, तो यहाँ पर ये जो वीडियो शो हो रहे हैं ना इन पर आपका वीडियो आएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा जिली आपके वीडियो को लोगों तक पहुँचाएगा। तो बहुत सारे टैग्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखो बीट पड़क हो गया, ठीक है, दिल ये पुकारे आजा सॉन्ग्स भी आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो टेलीविज़न ड्रामा करके आ रहा है। बहुत सारे हैशटैग आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी कैटेगरी के आप वीडियो बनाते हो उसी के हिसाब से आपको हैशटैग देख लेना है। तो मेरा तो फनी टाइप का, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, हंसी के फब्बारे, इसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एकदम लेटेस्ट में जो भी आपका वीडियो है जो आप अपलोड करना चाहते हो इस पर जिली पर डालना चाहते हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारे एडिटिंग होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। स्टीकर फिल्टर और ये टेक्स्ट वगैरह तो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। बस यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर आती है टाइटल डालने की बारी और यहीं पर आपको ये सारा कुछ हैशटैग, ये जो आपका हैशटैग होता है ये आपको ऐड करना होगा, ठीक है। मेंशन भी कर सकते हो एज दैट लगा करके, जिसको आप मेंशन करना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जो भी इसका टाइटल है। तो ये देखो पतली कमरिया मोरी हाय है, यहाँ पर मैंने इसका सबसे पहले टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पर मैं वही हैशटैग यूज करता हूँ हंसी के फब्बारे वाला, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था हंसी के फब्बारे। ये देखो मैंने इस टैग को यूज कर लिया, मतलब हैशटैग को यूज कर लिया। और भी आप चाहो, जैसे यहाँ पर मैं फनी यूज कर लेता हूँ, फनी वाला हैशटैग लगा देता हूँ। आपको हैश लगाना है तो ऑटोमेटिक आपका हैशटैग लग जाता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से लगा लिया। कॉमेडी भी लगा देता हूँ, कॉमेडी नहीं वायरल कर लेता हूँ, वायरल जिली, वायरल जिली भी लिख देता हूँ, वायरल जिली। इस तरीके से आपको लगा देना है, लेकिन मेन आपको हैशटैग जरूर लगाना है। जैसे मैंने हंसी के फब्बारे लगाया क्योंकि वहाँ पर डिस्कवर में दिखाई दे रहा था, ये आपको समझना है। और इसी से आपका वीडियो वायरल होगा, 100% गारंटी है इस चीज़ की। मैंने ट्राई करके देखा भी है, तभी मेरे मिलियंस में व्यूज़ आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर दिया। उसके बाद आप चाहो कि ये जो आपका कवर फोटो दिख रहा है आपके वीडियो पर, सामने वालों को जो दिखेगा, अगर इसको आप चाहो सेलेक्ट करना, मतलब चेंज करना, तो सेलेक्ट कवर पर क्लिक करके और नीचे यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपका चेंज होगा। तो जो भी आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर ये वाला ये लगा देता हूँ पतली कमरिया, क्योंकि यहाँ पर इसी के कमरिया है। और यहाँ पर मैं सिंपल से डन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डन पर क्लिक कर दिया। अब ये लगभग लगभग हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। सेटिंग इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, इसको आप कैंसिल कर दो। बस यहाँ पर आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर दो ऊपर देखो अपलोडिंग दिखाई दे रहा है। अब ये जस्ट अपलोडिंग हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी यहाँ पर 0 व्यूज़ दिखाई रहा है। तो यहाँ पर मैं प्ले करके इसको खुद से एक बार लाइक कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुल यहाँ पर वीडियो हमारा चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हालांकि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर देखो मेरे फॉलोअर आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जेड कॉइन के बारे में आप बता देता हूँ कि जेड कॉइन का यहाँ पर मतलब आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप, मैं आपको दिखा देता थोड़ा सा, जैसे मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ, जैसे अपन नीचे ज़्यादा व्यूज़ वाले दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि किसी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज है, उसके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 1.1 मिलियन व्यूज है, तो इसमें देखो 1.2 मिलियन इसमें मुझे जेड कॉइन भी मिला हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी टोटल देखो 3 मिलियन के आसपास जेड कॉइन है। कुछ यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कट भी हुआ है, उसका कुछ अलग रीज़न है। तो यहाँ पर आप देखो टोटल अमाउंट आप देख सकते हो, 3 मिलियन जेड कॉइन का मुझे 1000 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा बात है कि 3000 जब जेड कॉइन आपके यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर आपका 1 रुपया होता है। 3000 जेड कॉइन में 1 रुपया होता है। सुनने में आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन जेड कॉइन आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आराम से यहाँ पर आपके जेड कॉइन मिलियंस में तुरंत हो जाते हैं। अगर आपका वीडियो वायरल हुआ तो यहाँ पर आपके हज़ारों में अर्निंग भी हो जाती है। अभी देखो 627 रुपये मेरा विड्रेबल दिखाई दे रहा है, मतलब मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। विड्रो करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, 2 विड्रो पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले आपको विड्रो रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। ये देखो विड्रो रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, कितना सारा मुझे सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप विड्रो करना चाहते हो तो सिंपल सा आपको यहाँ पर
अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो आपके उसमें 50 रुपया नहीं होगा, क्योंकि जब आपको एक लेबल मिल जाता है तो यह 50 रुपया की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप 200 रुपया आपको मिनिमम यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा। 200 रुपया कर सकते हो, 400 कर सकते हो, 600 कर सकते हो, 800 कर सकते हो, या फिर अदर अमाउंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो मुझे 200 रुपया विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपके अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले अपना बैंक ऐड कर लेना। ये देखो मैंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपना ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको बस कन्फर्म पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपका सारा जो बैंक का डिटेल है वो आपका आ जाएगा। तो एक बार आप देख लेना, इसमें आपका पैन कार्ड नंबर भी मांगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर आपको विड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके सामने 200 रुपया विड्रो करा। एंड यहाँ पर देखो लिखा है सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, लेकिन ये आपका 7 से 14 दिन तक इसमें लग सकते हैं आपका पैसा विड्रो मतलब अपने बैंक पर आने के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने देखा कि 2 से 3 दिन में आपका आ ही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिली एप्लीकेशन को यूज करके इस पर आप वीडियो डाल करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। व्यूज़ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। बस आप उस हैशटैग को जरूर यूज करना जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जिस भी कैटेगरी का आप बनाओ तो उससे उसके हिसाब से आप उस हैशटैग वहाँ पर देख लेना। डिस्कवर वाले एप्लीकेशन में डिस्कवर में जा करके वहाँ पर डिस्कवर का ऑप्शन ना मिले तो आप यहाँ पर देख लेना, ऊपर यहाँ पर आपको कॉर्नर पर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले हैशटैग डिसाइड कर लेना किस हैशटैग पर आप बना रहे हो, तो गारंटी है कि आपका वीडियो में काफ़ी अच्छा व्यूज आएगा, वायरल जाएगा, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स बनेंगे, जेड कॉइन बनेंगे, और काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पर अर्निंग होगा, कमाई कर पाओगे, इसको तुरंत अपने बैंक पर विड्रो कर सकते हो। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछो। ठीक है, या फिर अगर पर्सनल कुछ बात करना हो तो इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, वहाँ पर बातचीत होती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।